आप सभी साथियों का स्वागत एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में समझाने वाले आप सभी को NATS के बारे में, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। काफ़ी लोग सुने होंगे कि जिनको जिनको एक साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी फील्ड से, उनको NATS से इनरोलमेंट करके इनरोलमेंट नंबर लाने को बोला जाता है। अब छात्र छात्राओं को ये मालूम ही नहीं कि NATS में किस तरह से हम सही से भरे फिल करें फॉर्म को ताकि हमको इनरोलमेंट नंबर मिल जाए, इसमें क्या पैसा लगता है, क्या क्या लगता है, उसको समझते हैं और उसको दिखाते हैं। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में अच्छी तरीक़ा से आ सके। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट्स मेरे द्वारा मिलते रहे। जब जब भी किसी सब्सिडरी में फॉर्म निकलेगा किसी भी फील्ड में, उसके ऊपर हम वीडियो बना दिया करेंगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गूगल में आपको लिखना है NATS, जिसका ऑफिशियल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर हम खुलकर सामने आ जाते हैं। सबसे पहले इसको हम डेस्कटॉप साइट में सेट कर लेंगे। ऊपर जो 3 डॉट्स दिखा उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देते हैं ताकि आपको जो भी आप फिल करो आपको वो हर चीज़ दिखे। देखिए NATS को द्वारा आपको इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, मगर इनरोलमेंट नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसके लिए कुछ कंडीशन होती। क्या कंडीशन, चलिए उसको समझते हैं विद द प्रूफ। सबसे पहले के नीचे लिखा होगा न्यू यूजर्स। अगर आप नए आए हो तो यहाँ पर रजिस्टर हियर में क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो एक होम पेज पर खुलकर सामने आ जाते हो। यहाँ पर 4-5 स्टेप को फॉलो कर देते हो तो आपको कुछ दिन के बाद में ईमेल के जरिए या फिर आपके मोबाइल में मैसेज के जरिए आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। उसमें 2-3 दिन का समय लगता है या फिर बहुत अधिक भी समय लग सकता है अगर आपका पेपर सही नहीं है तो। पेपर सही रहेगा बहुत जल्द आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है IM, मतलब आप क्या हो। इस पर जैसे ही क्लिक करते दिखा रहा है कि स्टूडेंट हो, इंस्टीट्यूशन हो या एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब या तो कंपनी होंगे या तो प्रिंसिपल के मतलब कॉलेज के मैनेजमेंट से होंगे या स्टूडेंट होंगे। तो हम और आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट में जैसे ही क्लिक करते हैं एक सेकेंड पेज खुलकर सामने आ जाता है। इस पर क्या मांगा जा रहा है, देखिए इस पर क्या मांगा जा रहा है कि हाँ आई वॉन्ट टू लाइक इनरोल माई सेल्फ इन NATS पोर्टल। इसमें लिखा हुआ कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसको टिक मार दीजिएगा। जैसे मैं झारखंड से था, झारखंड टिक मार दिया, ठीक है। फिर लिखा हुआ विदाउट बैकलॉग, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगा है तो ही इसमें आप इनरोलमेंट कर सकते हो। किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा है उस बैक को क्लियर करने के बाद जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस दिन से आप कहलाओगे पास आउट स्टूडेंट। इसे केवल पास आउट स्टूडेंट ही भर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ आई एम हैव कम्प्लीटेड एंड आई एम डूइंग, अगर आप आई एम डूइंग में करोगे तो आपका ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आप हैव कम्प्लीटेड में क्लिक कीजिएगा। जो भी बच्चे 2019-18 से पास आउट हुए हैं, 20 में और 21 में हो चुके हैं, वही इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं कंप्लीटेड में। जैसे कंप्लीटेड में क्लिक किए क्या लिखा हुआ है, सेकेंड में जो ऑप्शन दे रहा है उस पर क्लिक करते हैं। क्या किए हो, डिप्लोमा किए हो या बीटेक किए हो। इसमें टेक्निकल स्टूडेंट्स ही सिर्फ केवल भर सकते हैं, तो आप डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा और बीटेक किए हो तो बीटेक को लेकर ऊपर में दिखा हुआ है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जैसे ही मैंने क्लिक किया लिखा हुआ इन द ईयर किस साल पास हुए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 21 का है, 20 का है, 19 का है, 18 का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, NATS का यह कंडीशन है कि जो भी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं वो पास आउट के बाद से लेकर 3 साल के अंतर्गत में इस फॉर्म को आप भर सकते हो। अगर आप 20 में पास आउट हो तो 20 पे क्लिक कीजिएगा। थ्रू मोड ऑफ एडुकेशन है, यहाँ पे जैसे क्लिक क्या लिखा हुआ है, रेगुलर या पार्ट टाइम या डिस्टेंस। रेगुलर वो बच्चे होंगे जो लोग के कॉलेज में नाम लिखाने के बाद उनको अटेंडेंस देना पड़ा, वो कॉलेज में क्लासेस किए होंगे। पार्ट टाइम मतलब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, आप पार्ट टाइम पढ़ाई किए होंगे। डिस्टेंस मतलब आप ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त किए हों। तो रेगुलर में जैसे ही क्लिक किया, फिर यहाँ लिखा हैव यू अंडरटेकिंग एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पर पार्ट ऑफ अप्रेंटिस प्रोग्राम, क्या आपने आज से पहले कभी भी NATS के द्वारा या फिर किसी अन्य संस्थाएं के द्वारा अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो याद रखिएगा NATS हमेशा कहता है कि आप केवल NATS से एक बार ही अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकते हो, तो आप नहीं किए होंगे इसलिए इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। तो यहाँ क्लिक करना आपको नो। जैसे नो क्लिक के क्या लिखा हो, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर मोर, मतलब या तो आपके पास कोई 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या उससे अधिक का, तो अगर आपने ट्रेनिंग किया होगा तो आपके पास होगा और नहीं किया है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है नो।
अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग किया है या PDPT किया या फिर कुछ अन्य चीज़ों किया है, तो PDPT और PGPT एक साथ ट्रेनिंग होता है, उसमें आप टिक नहीं, उसमें आपको यस करना पड़ता है। मगर आपने VT किया है तो VT में हमेशा यहाँ नो करना है। देखिए कुछ चीज़ आपसे मांगा जा रहा है, आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप इससे आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहला मांगा जा रहा है आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा बार मांगा जा रहा है वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, आपका खुद का पर्सनल ईमेल आईडी। इस पर हम समझा देना चाहेंगे कि आपके पास जो भी पहले से पर्सनल ईमेल आईडी होगा उससे कभी भी फॉर्म को मत भरिएगा, आप एक नया ईमेल आईडी बनाइएगा, क्योंकि NATS हमको आपको हमेशा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके इंस्टॉलमेंट नंबर से लेकर आपका ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग होने तक का हर एक पेपर को ईमेल करता है। ईमेल के समय अगर आपका पासवर्ड याद नहीं है तो काफ़ी सारी दिक्कत देखने को मिल सकता है, इसलिए हमेशा आप अपना एक फ्रेश ईमेल आईडी रखना, जिससे आपका हर एक चीज़, और उस ईमेल आईडी को कहीं यूज मत करना, केवल केवल अपना एडुकेशन पर्पज़ से या फिर NATS के लिए। उसके बाद मांगा जाता है हमारा मोबाइल नंबर विथ रिक्वायर्ड टू सेंड वेरीफाई OTP, आपको एक मोबाइल नंबर बताना जिसमें आपका OTP आएगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर मांगा जा रहा है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कभी भी फ़ोटो आप क्लास 10th का या 12th का पुराना फ़ोटो मत दीजिएगा, जब भी फ़ोटो दीजिएगा रिसेंट का 6 महीने का फ़ोटो दीजिएगा, ऐसा नहीं आपके पास पहले वाला फ़ोटो उसको आप डाल दिए, नहीं, हमेशा या तो खिंचवा लीजिए या फिर खुद से मोबाइल से सेल्फी लेके अच्छा से फ़ोटो बना लीजिए पासपोर्ट साइज का, और उसी फ़ोटो को यहाँ पर पेस्ट किया कीजिएगा। चौथा मांगा जा रहा है आपका अकाउंट डिटेल्स, आपका अकाउंट डिटेल्स वैसा अकाउंट नंबर आपका मांगा जा रहा है जिस अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो फिर यहाँ दिक्कत हो सकती है, आपको पेमेंट जो भी मिलता है ट्रेनिंग के दौरान में वो नहीं मिलेगा। उसके बाद मांगा जा रहा है छठा जी में क्वालिफिकेशन डिग्री, या तो आप पास आउट 1 साल 2 साल पहले हुए होंगे तब आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होगा, और अगर आप इसी साल पास आउट हुए हैं 2021 में तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा, अपने प्रिंसिपल सर से अगर आप बात करते हो कि सर हमें NATS में एनरोलमेंट करना है, मेरा मार्कशीट मुझे दीजिए, तो आपको प्रोविजनल मार्कशीट वो दे चुके होंगे। फिर मांगा जा रहा है फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, मतलब आपका जो पासबुक है उसका स्कैन कॉपी फर्स्ट पेज का मांगा जा रहा है, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपका क्या स्टेटमेंट है बैंक का। अगर ये सब चीज़ आपके पास है यहाँ क्लिक कीजिएगा, यह एवब डाटा, जैसे ही आप क्लिक किए क्या बोला जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू इनरोल। अब उसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी भरना है, इसके बाद में एक OTP आएगा। चलिए आपको हम समझा देते हैं, मेरे पास डिटेल्स मेरे पास मौजूद नहीं किसी को कि मैं फॉर्म भर के दिखा सकूं, मगर हाँ इस वीडियो में काफ़ी कुछ मैं बताया हूँ और आगे भी बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर सब चीज़ हैं तो किस किस तरह से आप आगे स्टेप्स में बढ़ सकते हो। देखिए जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप में समझाया था, सेकंड स्टेप में जो बताया आई हैव एवब डाटा तक बताया, थर्ड स्टेप में क्या है, आपको अपना ईमेल आईडी देना, उस ईमेल आईडी में OTP आएगा, उस OTP को यहाँ फिल कर देना। जैसे ही आप OTP को फिल करोगे आप आगे के लिए कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर देने के बाद फिर एक OTP आएगा, फिर उस OTP को यहाँ भरना है, मोबाइल नंबर की OTP को। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर को OTP को भर दिया, आपको अपना नाम लिखना है, नाम हमेशा कैपिटल लेटर में, जो आपके 10th या फिर आपके टेक्निकल डिग्री के मार्कशीट में लिखा उसी नाम को आप यहाँ भरना कैपिटल लेटर में। जैसे मेरा नाम कुंदन कुमार, तो मैं लिखूँगा KUNDAN स्पेस कुमार, वो भी पूरा कैपिटल लेटर में। फिर आपको एक मिनिमम पासवर्ड सेट करना, मतलब मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए, जिसमें पासवर्ड में कुछ कंडीशन है, एक कम से कम कैपिटल लेटर का अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर का, एक न्यूमेरिक का, और एक आपके पास में जो सिंबल्स होता है उसके साथ में अरेंजमेंट करके 8 अंकों का बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाया जाता है इसका एग्जांपल हम डिस्क्रिप्शन में लिख चुके हैं, आप देख लीजिएगा पासवर्ड, उस तरह के पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो क्या लिखा हो, रिक्वायर्ड आपका डॉक्यूमेंट्स को मांगा जाएगा, उसके बाद में एग्री एंड कंटिन्यू, जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको अपना अब हर चीज़ अपलोड करना होगा, आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद में नेम ऑफ द स्टूडेंट में फादर्स नेम लिखना होगा कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, आधार नंबर क्या है, आप जेंडर में क्या हो, आधार नंबर दोबारा से अपलोड करना है इसमें, कम्युनिटी क्या हो, मतलब आप जनरल हो, ST हो, SC हो, OBC में BC1 हो, BC2 हो, MCQ से बिलोंग करते हो, SMQ, जो भी आरक्षण मिलता है वहाँ पे आपको टिक करना है। फिर यहाँ लिखा हुआ नीचे में आइएगा तो क्या लिखा हुआ है, आपका एड्रेस,
परमानेंट एड्रेस क्या, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ चीज़ नेट्स आपके घर पे भेजता है तो किस एड्रेस में भेजेगा, या कोई भी डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है तो वो किस एड्रेस पे होने वाला है, तो जो एड्रेस पे आप रहते हो तत्काल बहुत दिनों से या बहुत दिन तक और रहने वाले हो उसी एड्रेस को यहाँ मेंशन करना। इसके नीचे में आपका बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है, बैंक डिटेल्स में हमेशा सब चीज़ कैपिटल लेटर में, पूरे फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिएगा। आपका बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है, आपका IFSC कोड क्या वो मांगा जा रहा है, सब चीज़ फिल करने देने के बाद में नीचे आइएगा तो लास्ट स्टेप मांगा जा रहा है नेम ऑफ कोर्स, कि आपने कौन सा कोर्स किया, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा लिखोगे, जो भी किया। उसके बाद में कि लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन इन वीक, कितने दिनों का किया, तो नॉर्मली इसी बात है कि आप ट्रेनिंग डिप्लोमा 3 सालों का किए होंगे, या फिर अगर आप बीटेक किए होंगे तो आप 4 साल का बीटेक किए होंगे, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है कि आपने क्या क्या रिज्यूमे को किया है, आपका रिज्यूमे कैसा है, तो रिज्यूमे कैसा तैयार किया जाता है वो कभी इस पर हम वीडियो बना देंगे, चैनल पर बने लेगा, चैनल पर अपलोड कर दूंगा, चैनल से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर लास्ट में लिखा हुआ प्रीफ्रेंस ऑफ ट्रेनिंग, कि ठीक है आपने जो फील कर दिया उसको आपको ट्रेनिंग किस फील्ड में करना, हो सके आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल माइनिंग है, आप चाहते हो आपको कोल इंडिया में ट्रेनिंग लेना है, तो आपको यहाँ टिक मारना पड़ेगा कि हाँ हमें इंडस्ट्रियल इलाका में ट्रेनिंग चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि उस इलाका में ट्रेनिंग अभी खाली है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हो इधर से टेक्निकल से और फील कर दिए हो कुछ और चीज़ में। फिर आपको एक बार प्रीव्यू फॉर्म देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई आपका प्रीव्यू फॉर्म सही कि गलत है, उसको चेक करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा, ये इंटरफेस के बाद में 2-3-4-5 दिन के अंदर में आपके ईमेल आईडी पे, जिस ईमेल आईडी को आपने भरा था उस ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर में आपको एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा, फॉर्म का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा कि ये आपका इनरोलमेंट नंबर है। इस फॉर्म को फिल करने समय में एक प्रिंट का ऑप्शन है, उस प्रिंट से करके प्रिंट कर लेना, ताकि जब कभी नहीं आया तो आप NARS में लॉगिन करके कंप्लेंट कर सको, आप NARS में बात कर सको। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो को बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। इसके बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे, इसका नाम होगा BOPT, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इससे किस तरह से आपको ट्रेनिंग मिल सकता है उसके बाद में वीडियो बनाने वाला हूँ, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग का वैकेंसीज निकलती है और कहाँ कहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ये सब जो वीडियो आने वाला है ये वैकेंसीज के प्लेलिस्ट में मेरे अपलोड है, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट्स मेरे द्वारा मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक वीडियो का लिंक वहाँ से भी मिल सकता। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।